हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 10th में किस तरह का पेपर इस बार बिल्कुल आपके हाथ में होगा। डिक्टो 99% यही पेपर आपके पास मिलेगा। तो बिल्कुल आसानी से देखिए, फर्स्ट चैप्टर में इस बार दो दो नंबर के दो सम रखे हुए हैं, ठीक है। मेरी बात, आई रिपीट, दो दो नंबर के, टू टू मार्क्स के यहाँ पर दो सम रखे हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर से टू मार्क्स के दो सम आ रहे हैं, ठीक है। कौन से आ रहे हैं वो भी बिल्कुल बता रहा हूं। और एक आ रही है डेफिनेशन, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक डेफिनेशन आ रही है, वो एक नंबर पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, आपको ये भी देखना होगा दोस्तों कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। बात वैसे मैं मोस्टली कर रहा हूं ब्रदर, क्योंकि एज अ सीबीएसई टीचर, मैं सीबीएसई टीचर हूं, तो मोस्टली बात मैं कर रहा हूं उन प्यारे बच्चों की जिनके पास एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है। आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताब है और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आप रिलेटेड है, आप इसका एग्जाम दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली या ऑल इंडिया, ठीक है, तो आपका 100%, बिल्कुल 100% डिक्टो पेपर में आपको यहां पर पहले ही अवेलेबल करा रहा हूं। और अगर आप जो है किसी और बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपके पास किताब एनसीईआरटी की है, तो भाई बिल्कुल मेरे पे भरोसा रखो, ये जो सम्स मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आपके पेपर में 80% के करीब यही दिखेंगे सारे, अगर आपकी किताब एनसीईआरटी की है। बोर्ड चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका गुजरात बोर्ड हो, आसाम बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, जम्मू कश्मीर जेके बोस बोलते हैं ना, जेके बोस हो, या फिर आपका बिहार बोर्ड हो, अगर आपकी किताब एनसीईआरटी वाली है तो पक्का यही मिलना है जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपकी किताब एनसीईआरटी वाली है और सीबीएसई बोर्ड है तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। अगर आपकी किताब अदर्स है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा सम्स में एक सम क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। डिक्टो पेपर बता रहा हूं, पहला चैप्टर है, शुरू करते हैं। यस, पहले चैप्टर में अगर आप यहां पर पेज नंबर 4 को निकालेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो एक यहां पर दे रखा है एन एल्गोरिथम। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि एल्गोरिथम वाली डेफिनेशन आई है कि लेमा, ये मुझे पता नहीं है, बट एक है इसमें से, एक नंबर में है, डेफिनेशन लिखने के लिए आई है। आप सोच भी नहीं सकते कि भाई डेफिनेशन भी बंदा पूछेगा, बट एक नंबर पर। यहां पर मैंने 3 स्टार बना दिए, जहां पर मैं 3 स्टार बनाऊंगा पक्का उसे करके जाना, और जहां पर 2 स्टार बने उसे भी छोड़ना मत, रिवाइज तो कर ही लेना। एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के यहां पर जो क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 है, मैंने इसमें इंपोर्टेंट भी लिख दिया और 3 स्टार भी बना दिए, पक्का यही वाला है, डिक्टो मुझे पूरा पता है। और यहां पर भाई मैंने, अगर आपको थोड़ा और रिवाइज करना है तो नंबर 4 को ले लेना, और इसकी डिजिट भी चेंज नहीं है, आई रिपीट, डिजिट भी चेंज नहीं है। 1.2 में से ब्रदर, अगर आप एनसीईआरटी की किताब वाले हैं और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, तो कुछ नहीं है इस बार, कुछ नहीं आ रहा इसमें से। बट अगर आप अदर बोर्ड से हैं और आपके पास एनसीईआरटी की बुक है चाहे नहीं है, तो आपके लिए यहां पर एक ये नंबर 3 और एक ये नंबर 4, आपको अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, गुजरात बोर्ड से, तो आप जरूर भाई इन दोनों को जरूर चेक कर लेना। यहां पर ये जो नंबर 5 है, ये बड़ा आड़ा टेढ़ा सवाल है, और मोस्टली ये मैंने देखा हुआ है कि ये जो अदर बोर्ड होते हैं, आसाम बोर्ड होता है, उनका एक फेवरेट सम रहता है, ठीक है, डिजिट थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसको आप देख लेना। और अगर आप यहां पर नंबर 7 को देखो, तो 7 को भी मैंने कई बार अदर बोर्ड्स में देखा हुआ है, ये वाली एक्सरसाइज 1.3 और ये वाला क्वेश्चन, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है √7, ये वाला सम है इस बार, ठीक है। जहां पे लिखा है ना √5, यहां पे भाई √7 लिखा हुआ है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन √7 है, तो पक्का आप जो है इसको कर लेना। ये एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए मैंने यहां पे 3 स्टार बनाए हैं, और अगर आप अदर बोर्ड से भी हो, तो भाई वहां पे √2 √3 ऐसे लिखा आता है, लिखना सेम होता है, आपके सर जी ने भी बताया होगा, ये वाला सवाल आपको याद भी होगा, जहां √5 है ना, उसकी जगह बस आप √3 लिखते जाना, बाकी डिक्टो एक एक लाइन एक एक वर्ड इसका सेम रहता है। एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 आप पूरी छोड़ दो, बेफिक्र होकर छोड़ दो, रिवाइज करा है तो अच्छी बात है, एक आध सवाल रिवाइज करा ही होगा, ध्यान भी होगा, नहीं तो बेफिक्र होकर पूरी एक्सरसाइज छोड़ दो। चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में से आपके पास यहां पर 2 सवाल तो आ रहे हैं, यहां से बुक में से आ रहे, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं, और बिल्कुल भी उसमें डिजिट भी चेंज नहीं हो रही है, और आपका एक या 2 सवाल, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, ये आ रहे हैं एक्स्ट्रा में से, थोड़ा सा बाहर से, वहां से अल्फा बीटा रूट कह के उसको बोला गया है, ठीक है, वो मैं आपको यहां पर अपनी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो दे दूंगा, उसमें से आप कर लेना। और यहां पर जो 2 बुक में से आ रहे, वो मैं आपको डिक्टो जो बुक में से आ रहे हैं, वो यहां पर ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 9, ये बिल्कुल डिक्टो इस बार एज इट इज, जैसा यहां लिखा है वैसा ही लिखा हुआ है, और ये आपका 100% आ रहा है। लेकिन बट यहां पर पता है उन्होंने लिख के कैसे दिया, ये ऐसे करा हुआ है कि
प्लस माइनस ऐसे लिखकर इस तरह से लिखा हुआ है, तो उससे कोई अलग वे नहीं पड़ता है। बात तो वही है कि भाई उसका एक जीरो रूट टू है और एक जीरो उसका माइनस रूट टू है, लेकिन ये आपको डिक्टो एज इट इज, ये एक्सरसाइज 2.3 की। तो 2.3 में से अगर आप करना चाहें तो यहां पर मैंने दो स्टार बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पर देख सकते हो, इनमें दोनों में मैंने 2 स्टार बनाए, ठीक है, देख लेना, रिवाइज कर लेना, लेकिन जो मैंने ऊपर बताया था वो जरूर करना है। और एक यहां पर जो एक्सरसाइज 2.4 लिखी है और जिसपे लिखा है ऑप्शनल, इसी में से आ रहा है एक सवाल, ऑप्शनल लिखा है और नीचे लिखा है कि ये एक्सरसाइज एग्जाम के व्यू से नहीं है। और मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि ये वाला जो सम है, यहां थर्ड है कि फोर्थ है ये मुझे पता क्लियर उतना नहीं चल रहा है, इसमें से एक आ रहा है पक्का डिक्ट। चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में तो बिल्कुल कोई भी बता सकता है, कभी भी बता सकता है कि कौन कौन से समान है। 3.1 तो पूरी छोड़ दो, 3.1 तो करनी नहीं है, और 3.2 में से केवल एक ही समान है, और वो 3.2 में से कौन सा सम रहता है आपको बिल्कुल, आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता है, सबको पता है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है 3.2 में से पक्का डिक्टो इसी तरीके से आता है। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2, और 3.2 में से हमने कौन सा सम करना है, किसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 स्टार यहां पर बना रहा हूं, और ये जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में, बाकी आप रिवाइज करो आपका जैसा मन करे, छोड़ना। एक्सरसाइज 3.3, और 3.3 में से इस बार जो सम रहा है आपके लिए वो है नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। इसके अलावा यहां पर कोई भी सम 3.3 में से नहीं है। आप फिर भी करना चाहो, रिवाइज करना चाहो, या अदर बोर्ड से रिलेटेड हो तो नंबर 4 को भी आपने जरूर देखना है। यस ब्रदर, ये वाला जो एग्जांपल है आप मेरी बात बिल्कुल बिलीव करिए, एग्जाम्पल नंबर 13, डिक्टो एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है ठीक है, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए। एक्सरसाइज 3.5, और एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एज इट इज वहां आपको दिख जाएंगे, इस बार के लिए जरूर इसे रखना है। और इसी एक्सरसाइज 3. में इसी में से जो हम एक्सरसाइज 3.5 में से ही यहां पर हमारे पास ये 2 प्लेस ए और बी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन दोनों में मैंने दो स्टार बनाए, आप रिवाइज कर लेना ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में, और बिल्कुल इस बार के लिए 3 स्टार बना हुआ है यहां पर, डिक्टो एज इट इज लिखा हुआ है, ये आपका सम है यहां पर। ब्रदर अगर आप अदर बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, या कहीं आसाम बोर्ड से हैं, या जेके बोर्ड से हैं, तो आपको इसका फर्स्ट सम तो एक बार निकाल ही लेना चाहिए ठीक है। अगर आप दिल्ली बोर्ड से हैं तो रिवाइज कर लो, रिवाइज करा होगा कई बार, या फिर इसमें से कौन सा आ रहा है डिक्टो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो हमारे पास है सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड, ये दोनों बिल्कुल, इन दोनों में से कोई सा एक है ठीक है, दोनों को काफी अच्छे से कई बार, ये सेकंड वाला तो कई बार आप रिवाइज कर लेना काफी बढ़िया तरीके से ठीक है। 3.7 ऑप्शनल, कहने को ये ऑप्शनल होती है, लेकिन इसमें से ये जो क्वेश्चन है मैं यहां पर टिक कर रहा हूं, नंबर 3, यहां पर 3 है हमारे पास, रिवाइज कर लेना एक बार, देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसके अलावा यहां पर ये नंबर 8, मैं 2 को यहां पर इंपोर्टेंट की कैटेगरी में टिक कर रहा हूं, 2 स्टार मैंने बनाए, अभी दिन है आपके पास, काफी दिन है, 1 महीना है, आप इनको जरूर रिवाइज कर लेना। चैप्टर 4 क्लास 10th, और कौन सा इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल आप लीक समझिए। चैप्टर 4 में से क्वेश्चन सबको पहले ही पता चल चुका है कि एक तो आना है 4.1 का सेकंड का 4, पक्का है, बिल्कुल आसानी से आपने उसे करना है। तो मेरे पास ये रही एक्सरसाइज 4.1, और 4.1 में आपने करना है सेकंड का 4, यहां पर मैंने सेकंड के 4 में 3 स्टार बना दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भी मैंने यहां पर लिख दिया है सेकंड का 4, जरूर कर लेना पक्का इस बार, एज इट इज डिक। 4.2 में से अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो नंबर 5 को आप रिवाइज कर सकते हैं, बट मैं यहां पर केवल 2 स्टार बना रहा हूं, आप पे अभी टाइम है, रिवाइज कर लेना। अदर बोर्ड से आप रिलेटेड है तो आप फर्स्ट का थर्ड और ये फोर्थ, इन दो को देखना ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 14, और एग्जाम्पल नंबर 14 बिल्कुल इसी तरीके का सम इस बार लिया गया है, डिजिट चेंज हुई है, लेकिन आप ध्यान रखना नंबर 14 का जो सम है, इस टाइप के एक दो सवाल और हमारी एक्स्ट्रा वाली वीडियो में से भी जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी डिजिट चेंज होके आई है। तो इसके अलावा चलते एक्सरसाइज 4.3, और एक्सरसाइज 4.3 में आपने ये जो थर्ड है बिल्कुल मोस्ट में है ये, अभी इस बार ये जो थर्ड के दोनों पार्ट है मैंने दोनों पार्टों में टिक कर दिया है, बिल्कुल यही सवाल है, डिजिट इसकी चेंज है, हमारी एक्स्ट्रा जो वीडियो है उसको भी एक बार जरूर। इसके अलावा यहां पर मैं चार सम को यहां पर टिक कर रहा हूं, आप कहेंगे यहां पे सम ज्यादा थोड़े से हो गए, लेकिन भाई ये चार है 8, 9, 10 और 11, इनको काफी अच्छे से जितनी बार आप कर सके लाइफ में उतनी बार करिए। साइज 4.4 में से एक ही सम हमारे पास इस बार है, और वो है सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को काफी अच्छे से करना, मैंने यहां पर 3 स्टार बनाया। किसी भी बोर्ड से आप रिलेटेड हो बिल्कुल लीक सम समझिए से लीक। चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में से अगर हम बात करते हैं कि भाई किस टाइप के सम्स है, तो यहाँ पर 5.1 तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 5.1 में से उन्होंने इस बार लिया है बाहर से एक सम, एक्स्ट्रा सम में से लिया है। और कौन सा सम लिया है 5.1 में से जो एक्स्ट्रा सम उन्होंने, वो इस तरह से लिया है कि लेट द 3 नंबर्स आर एक्स माइनस 1 कोमा एक्स प्लस 2 कोमा एंड एक्स 5, 7 आर इन एपी। वो क्या है, आर इन एपी, वो एपी में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो 5.1 है उसे तो आप छोड़ दो, 5.1 में से ये वाला सम इस बार एक्स्ट्रा है, डिजिट मुझे याद नहीं आ रही है, 1 है 2 है 3 क्या है वो आप देख लेना, वहीं देख लेना बोर्ड में, ठीक है। बट ये इस तरह से यानी इस पैटर्न में कि 3 टर्म आपको देगा और उसे कहेगा कि वो एपी में, और आपको वैल्यूज निकालनी होगी कि एक्स की क्या वैल्यू है, और बाकी मैं एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट और बिल्कुल लीक समझिए आप इस सम को, कई बार सोल्व कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही एक सम यहाँ पर 5.2 एक्सरसाइज में भी है, वहीं आप एग्जाम्पल 11 पे मैंने 2 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे 2 यहाँ पर स्टार बनाए हुए हैं, थोड़ा इसको देखना। और 13 एंड 14 बिल्कुल आप इसमें 3 स्टार की कैटेगरी में 100% लीक सम समझिए, अच्छे से इसको सोल्व करके जाइए काफ़ी बढ़िया से। और अगला हमारे पास है ये फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया से इसे कर लीजिए, 3 स्टार मैंने यहाँ पर बनाए बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 14 2 स्टार की कैटेगरी में, आपने एक बार रिवाइज रख लेना है। और एक्सरसाइज 5.3 में, और 5.3 में मैं आपको बिल्कुल यहां पर एक सम दो सम है यहां पर, दोनों समों को भाई आप डिक्टो 100 बार कर लीजिए, जैसे आपका मन करे सीख लीजिए 100%, और दोनों में डिफरेंस भी याद रखना नंबर 10 और नंबर 11, कई बार जितनी बार हो सके अच्छे से रिवाइज करिए। यहां पर हमारे पास नंबर 2 की कैटेगरी में है 12, 13, मैंने इसमें केवल 2 स्टार बनाए, आप इसे अगर टाइम हो तो रिवाइज कर लेना। वैसे जो ऊपर नंबर 10 और 11 मैंने लिखे वो दोनों आपको 100% करना है, रिवाइज करना हो और अगर आप पे टाइम हो और ज़्यादा 16 आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 लिखा हुआ है ऑप्शनल, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वाला जो सम है नंबर 1 100% इस बार लीक सम है, 10th क्लास NCERT CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ये जम्मू कश्मीर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, आसाम बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो आपको किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली बोर्ड या फिर ऑल इंडिया बोर्ड से रिलेटेड है पक्का इसको अच्छे से सीख के जाइए। क्लास 10th में से कौन सा क्वेश्चन आएगा चैप्टर 6 में, हर किसी को पता है 10वीं क्लास में गणित में चैप्टर 6 एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पर स्टूडेंट को, टीचर को, ट्यूशन टीचर को, सबको पता होता है आना क्या है। तो चलिए मैं भी बता देता हूं इसमें से कौन से 3 सम मोस्ट, यस परमेय 6.1, थ्योरम 6.1 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 लाइनें भी याद करके जाना जो इसमें लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में याद करके जाना, क्योंकि वो लिखवाएगा भी इस बार कि आप इस परमेय को लिखिए कि ये है क्या, इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन लाइन थेल्स थ्योरम हम इसे बोलते हैं, तो ये वाली जरूर आपने करके जाना है 100%, ये इस बार आपके लिए बिल्कुल एज इट इज है। और इसके नीचे जुड़ के आ रहा है एक सवाल,
ये जो यहां पर 6.2 में आप देख रहे हैं, 6.2 में जो पहला वाला सवाल है ये जुड़ के आएगा उस थेल्स थ्योरम में जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि भाई ये पक्का आना है उसमें। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में, इस बार इसको भी छोड़ना नहीं भाइयों। और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 8 इसे काफी अच्छे से करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में है थ्योरम 6.6 जो हमारे पास यहां पर है। ठीक है, जो हमारे पास ये रहती है सिमिलर ट्राइंगल्स की जो थ्योरम है ये जरूर कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट में है। 3 मैंने यहां पर स्टार बना रखे हैं और इसके साथ एक सम आता है जुड़कर, वो मैं आपको बता रहा। जो पहला वाला सम है हमारा और इस सम को आप उस थ्योरम में जो मैंने अभी ऊपर बताया है उसके जस्ट नीचे ऐड होके आएगा, यानी दोनों सवाल एक ही बन के आएंगे। थ्योरम 6.8 ये यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये थ्योरम, और इसी के जस्ट ऐड होकर इसके साथ जो सम आएगा पाइथागोरस थ्योरम के साथ वो हमारे पास एग्जाम्पल 11 जैसा हो। यस सर, अब आ जाइए एक ऐसे सम में जो बिल्कुल आना है एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 14। इसके अलावा यहां पर मैं दो सम आपको और बता रहा हूं, एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज 6.5 में से केवल दो सम आते हैं हर बार, एक तो नंबर 7 होता है और एक नंबर 15 होता है। नंबर 7 और 15 एक ऐसे सम है जो हर बार अगर आप 10 ईयर बोर्ड के 10 ईयर पेपर प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो उसमें आपको नंबर 7 और जो नंबर 15 है 100% आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जरूर जाना। चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में से एक सम तो इस बार आ रहा है 7.2। जो चैप्टर्स हमारे पास नंबर 8 यहां पर मैंने 3 स्टार बनाए। वैसे अगर आपके पास जैसे अभी टाइम है तो थोड़ा सा आपने दो सम और रिवाइज करने, इसी के जस्ट नीचे है 9 और 10। यहां पर एग्जाम्पल 10 को काफी अच्छे से देख के जाना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में ये एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 में से आपने फर्स्ट को देख लेना है। वैसे मैंने जो मोस्ट था वो ऊपर लगा चुका हूं। यहां पर आपने नंबर 4 को और 5 को, नंबर 4 एंड 5 ये आप देख लेना। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें मैं 3 स्टार यहां पर बना रहा हूं, नंबर 8 आपको जरूर करना है, नंबर 8 में ध्यान देना है, और इसके अलावा नंबर 10 आपको करना है। ठीक है, एक और था यहां पर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इस बार मोस्ट लीक हो चुका है। डायमीटर ऑफ सर्कल से रिलेटेड कोई सम था ये रहा, यस ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल लीक क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ के ही मत जाना इसको। और 7.3 में आपके पास नंबर 2 को रिवाइज रखना है और जो करके जाना है काफी बढ़िया तरीके से वो आपको करके जाना है, रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ द, यस नंबर जो 3 है इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से 2-3 बार सोल्व करके जाना है। 7.4 एक्सरसाइज बिल्कुल ऑप्शनल लिखा हुआ है कि एग्जाम के लिए बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, बट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि लीक पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यही वाला सवाल। एज इट इज जैसे इसमें लिखा हुआ है, सेकंड नंबर एज इट इज जैसे इसमें लिखा हुआ है, थर्ड नंबर बिल्कुल यही है, आपको ये तीनों के तीनों अच्छे से सोल्व करके सीख